रात हो चुकी थी और जाफर अलादीन को उस गुफा के पास ले आता है। उसके बाद अलादीन सेफली गुफा में चला जाता है। जादुई गुफा के स्पिरिट्स उसे कुछ नहीं करती है क्योंकि अलादीन एक नेक इंसान था। और वो जैसे ही गुफा के भीतर जाता है तब वो अपने चारों ओर हीरे जवाहरात को देखता है, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि जाफर ने उसे मना किया था कि गुफा में तुम्हें जादुई चिराग के सिवा किसी चीज को हाथ नहीं लगानी है। और तभी अलादीन को एक जादुई कारपेट नजर आती है जो एक चट्टान के नीचे दबी हुई थी। अलादीन उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से रिलीज करता है। इधर अलादीन ने चिराग हासिल कर ही लिया था, लेकिन तभी उसका बंदर अबू एक हीरे को उठा लेता है, जिसके बाद गुफा के स्पिरिट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। और कुछ ही समय में हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह गुफा के बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुँच जाते हैं जहाँ जाफर इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जाफर सबसे पहले अपने चिराग की ही मांग करता है, जिस पर अलादीन हड़बड़ाहट में उसे चिराग दे देता है।